अभिवादये। अहमस्मि यशी भारद्वाजः। तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। भारत अमेरिका देशाभ्यां रक्षा क्षेत्रे सहयोगं विस्तारयितुं नूतन रक्षा प्रारूपम् उपरि हस्ताक्षरं विहितम्। रक्षा मन्त्रिणा मनोहर परिकरेण भारत यात्रा रतेन तदीय अमेरिकीय समकक्षेण एस्टन कार्टरेण च अस्मिन् सन्धौ हस्ताक्षरितम्। इतः प्राक् कार्टरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अथ च विदेश मन्त्रिणा सुषमा स्वराजेन सह अपि सम्मेलनं विहितम्। मोदी प्रशासनस्य एकवर्ष पूर्त्यवसरे कृषि मन्त्रिणा राधामोहन सिंहेन कृषि मन्त्रालयस्य कार्यविवरणं प्रस्तुतम्। दिल्ल्यां बुधवासरे एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने प्रश्नानाम् उत्तरं प्रददता कृषि मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रावृत्कालिक न्यूनवृष्टि कारणात् यथा कृषकाणां हानिः न स्यात् तथा तस्य मन्त्रालयेन प्रयतिष्यते। प्रस्तूयते अस्मिन् विषये एकं विवरणम्। प्रावृत काले वृष्टि ही न्यूनं भविष्यति इति ऋतु विभागस्य भविष्योक्तेरनन्तरं केन्द्र प्रशासनेन स्थितिं निभालयितुं प्रक्रिया समारब्धा। कृषि मन्त्रिणा राधामोहन सिंहेन आश्वासितं यन् न्यून प्रावृत कालिक वृष्टि कारणात् भविष्यमाणं संकटं प्रतीकर्तुं प्रशासनं सन्नद्धं वर्तते, येन कृषकाः हानिं न अनुभवेयुः। एक प्रकृति निर्मित होता है और एक मानव निर्मित। सुदिनानि दुर्दिनानि च एकं प्रकृति निर्मितं वर्तते अपरं च मानव निर्मितं वर्तते। मानव निर्मितानि दुर्दिनानि अवसितानि सुदिनानि च प्रारब्धानि। प्राकृतिक संकटस्य प्रतीकारः प्रशासनस्य दायित्वं वर्तते। कृषि के अंदर इतनी दृढ़ता है कि नुकसान तो होगा अर्थव्यवस्था, लेकिन इतना नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने चिंता की और इस 1500 के अंदर अस्माकं प्रशासनेन जैविक कृषिं प्रोत्साहयितुं 300 कोटि रूप्यकाणि राज्येभ्यः आवंटितानि। पूर्वोत्तरे च यत्र अस्याः संभावनाः सर्वाधिकाः वर्तन्ते तदर्थं 75 कोटि रूप्यकाणि आवंटितानि। और हर 3 वर्ष पर इसका रिन्यूअल करना है। यथा साल एक शुरुआत अनेक इति केंद्र प्रशासनस्य प्रचारवाक्यं वर्तते, तथैव कृषि मन्त्रालयेन वर्ष एक पहल अनेक इति प्रचारवाक्यं प्रकल्पितम्। अनेन नामना एव कृषि मन्त्रालयेन एकस्य पुस्तकस्यापि विमोचनं कृतं, यस्मिन् जैविक कृषि प्रोत्साहनं, प्रधानमंत्री सेचन योजना, मृदा स्वास्थ्य पत्रक सदृशाः विषयाः उपलब्धिसूचौ सर्वोपरि वर्तन्ते। कृषि मन्त्रालयेन कृषकेभ्यः 3 वर्षाभ्यन्तरे एव मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्रदानस्य प्रतिबद्धता अपि पुनरुदीरिता। संस्कृत वार्ताः, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी स्वीडन बेलारूस देशयोः 5 दिवसीय यात्रा रतो वर्तते। स्वीडने यात्रां समाप्य असौ बेलारूस देशं सम्प्राप्तः। भारत बेलारूस देशाभ्याम् उभयपक्षीय सम्बन्धान् अग्रेसारयितुम् अनेके प्रमुखाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। राष्ट्रपतिनः बेलारूस यात्रावधौ उभयोर्देशयोर्मध्ये उत्पाद सेवयोः क्षणस्य मात्रा निर्धारित सीमा तु अधिकं वर्तते। अतः दिल्ल्याः